अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जी तो ये सुबह 9 बजे का टाइम था और हम लोग छत के ऊपर आ गए थे, क्योंकि क्यों आए थे छत के ऊपर, इसलिए आए थे क्योंकि नीचे गैस भी नहीं थी और लाइट भी नहीं थी। तो हमने कहा चलो छत का जो है वो विजिट कर लिया जाए और साथ साथ जो है ऑब्जर्वेशन की जाए कि कहाँ पर जो है वो आग जलाई जाए। मीन्स के आज हमारे साथ बहुत 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 बुरा हुआ, मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। तो ये हमारे दादा अबू का घर है, मीन्स के दादा अबू का जो घर बना हुआ है इसके ऊपर फुफा ने इतनी प्यारी प्यारी जो है वो सब्जियां शब्जियां लगाई हुई हैं। आपको ये सब्जी और हर तरह के फूल पौधे और सब्जियां जो है हमारे छत से आपको जो है वो मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जी बस हम लोग जो है वो साथ साथ वीडियो शूट कर रहे हैं। और आज हमारे साथ क्या हुआ कि आज हम सुबह ना उठे और उस उठने सुबह ना उठने की वजह से हमें जो सजा मिली है कि वो गैस भी नहीं थी और लाइट भी नहीं थी, जिसकी वजह से हमें जो है वो छत के ऊपर आग जलाना पड़ी और हमें जो है वो नाश्ता जो है वो छत के ऊपर आग जलाकर बनाना पड़ा। तो यहाँ पर जी मैंने तो आग नहीं जलाई, लेकिन मेरी जो छोटी कजन थी वही कह रही थी कि आप ही यहाँ पर आग जला लेते हैं, भूखा रहने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ जो है वो खा लिया जाए, थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन मैंने तो कहा बहन सॉरी, मुझसे कुछ भी नहीं होता, आग जो है वो तुम ही जलाओ। वो कहती है आप ही सिर्फ आप बैठ जाएं, आप वीडियो शूट कर लें, तो मैं जो है वो जल्दी जल्दी से आग जला लेती हूँ। तो माशाल्लाह उसने यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त किस्म की आग जला ली, ईंटें शींटें रख के साथ तवा रख दिया और यहाँ पर जी हमारे मज़ेदार किस्म के जो है वो पराठे बन रहे थे। आपको पता है कि अगर सुबह ना उठा जाए तो कितना नुकसान होता है, सेहत का भी नुकसान और खाने पीने का भी नुकसान। आपको तो पता है कि पाकिस्तान में आजकल जो है वो गैस की कितनी ज्यादा लोड शेडिंग चल रही है, जिसकी वजह से बेचारे जो लोग हैं वो क्या क्या कर सकते हैं। आपको पता है कि जो गरीब लोग हैं या जो अफोर्ड नहीं कर सकते बाहर से नाश्ते, तो वो बेचारे क्या करेंगे। लेकिन फिर भी देखें हमने जो है वो छत के ऊपर आग जला ली और आज के दिन हमने जो है वो अपनी पेट पूजा कर ली। बट जो है आइंदा के बाद हम लोगों ने तहैया कर लिया कि इंशाल्लाह सुबह सवेरे उठकर जो है वो नाश्ता वगैरह जो है वो कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर जी हम छत के ऊपर बैठे हुए आग भी जला रहे थे और हमारे जो नेबर के लोग थे वो हमें देख रहे थे और कह रहे थे क्या हुआ। हमने कहा ये देखें जी सुबह ना उठने का नुकसान। तो ये हम छत के ऊपर तीसरी टॉप के ऊपर बैठे हुए थे, मतलब तीसरी मंजिल के ऊपर बैठे थे, ये हमारा छत है। तो मैं आपको अपने पूरे छत का जो है विजिट कराऊंगी। आज हमने शहर में जो है वो गांव वाला माहौल बना लिया। अच्छा अच्छा तो बड़ा लग रहा था कि गांव वाला माहौल, लेकिन आपको पता है कि जो शहर के लोग होते हैं उनके अंदर मतलब वो चीज़ नहीं होती, मतलब कि कैसे आग जलाई जाए क्या जलाई जाए। तो यहाँ पर जी मेरी छोटी भतीजी क्यूट सी बैठी हुई थी, ये मैडम बन के बैठी हुई थी, हमें देख रही थी कि फुफियाँ हमारी क्या कर रही हैं। तो यहाँ पर जी बस हमारा हो गया था नाश्ता डन डना डन डन। और उसके बाद जी आप लोग हमारे बर्तनों की हालत देखें कि हमारे बर्तनों की क्या हालत होगी, और अपनी कंडीशन तो आपको दिखा नहीं सकते कि हमारी कंडीशन क्या हुई थी। खैर उसके बाद हो गया था 4-5 बजे का टाइम। तो मैंने आपको जो सुबह सुबह बैंगन दिखाए थे ना, बस मैं वो तोड़ कर ले आई, क्योंकि मेरा दिल सुबह ही उनको देखकर थोड़ा वो हो रहा था। मैंने कहा था बस इनको मैं तोड़ूं और तवे पर जो है वो फ्राई करके खाऊं। आखिरकार मैं बैंगनों को, करेलों को और हरी मिर्चों को तोड़ कर ले आई। यहाँ पर जी मैंने तवा फ्राई जो है वो बैंगन बना लिए और उसके बाद जी हम लोगों ने जो दोपहर का खाना है वो इंजॉय किया, क्योंकि मैंने कहा इससे पहले कि गैस चली जाए और फिर जो है वो हमें दोबारा से जो है वो मुसीबत झेलनी पड़ जाए। तो यहाँ पर जी दानों के टोन की आवाज आती है ना, तो बच्चों की तरह जो मैं ना उछल पड़ती हूँ, बस मैं कहती हूँ कि बस जो दाने हैं ना वो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो बस यहाँ से मैं भागती भागती जो है वो गली तक गई और मैंने दाने वाले को रोका। मैंने कहा भाई 2 मिनट रुको, खान जो था मैंने कहा खान भाई 2 मिनट रुको, मैं पैसे लेकर आती हूँ। और साथ मैंने अपनी छोटी कज़न को बुलाया और मैंने कहा जाकर जो है वो वीडियो भी शूट कर ले और साथ दाने भी ले आए। लेकिन यहाँ पर पता नहीं दाने वाले को क्या डर था, मेरी कज़न जो है वो वीडियो बना रही थी और उसने कहा कि पता नहीं तुम क्यों वीडियो बना रहे हमारी ये वो। तो उसने मुझे ना आधे कच्चे और आधे पक्के दाने दे दिए। आप यकीन करें कि मुझे जो दाने इतने ज़्यादा पसंद थे, अब मुझे वो दाने इतने बुरे लगते हैं ना कि मेरा दिल जो है वो ख़राब हो गया कि आधे कच्चे दाने दे दिए इसने और बिल्कुल भी वो खाए नहीं गए, आधे पक्के आधे कच्चे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मुझे दानों को देखकर ऐसा कुछ होता है कि मैं कहती हूँ बस जहाँ पर भी हो ना मैं दाने खाऊं ही खाऊं। लेकिन अब मेरा दिल ऐसा इन दानों से टूटा है कि मेरा जो है वो बिल्कुल भी दाने खाने को दिल नहीं करता। पता नहीं इसको क्या जलती थी या इसको क्या प्रॉब्लम थी कि इसने मुझे है वो आधे कच्चे आधे पक्के जो है वो दाने दे दिए। उसके बाद जी हम लोग छत के ऊपर आ गए। यहाँ पर जी मेरा छोटा कज़न जो है वो पतंग उड़ा रहा था। तो आज के दिन मैंने आपको पूरा जो है वो गाँव का विजिट करवा दिया, मीन्स के शहर के अंदर रहते हुए मैंने आपको पूरा एक गाँव का माहौल दिखा दिया। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।